हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम डेली। तो इस वीडियो में हम लोग आपको बता रहे हैं कि जेईई का फाइनल एंट्रेंस एग्जाम का डेट रिलीज हो गया है और इसके साथ साथ ही अब जो है आप अपना एडमिट कार्ड भी jnu.nta.ac.in पर जाके आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप डाउनलोड कीजिएगा तो एक चीज वहां पे पाइएगा कि प्रोविजनल लिखा गया है, यानी कि ये डेट अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है ये मान के चलिए कि पोस्टपोन हो जाएगा। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था और बहुत सारे लोगों से जब हम लोगों ने बात की थी तो ये पता चला कि उनके सेमेस्टर एग्जाम जो है जेएनयू के एंट्रेंस एग्जाम के साथ डेट सारे क्लैश कर रहे हैं। इसको लेकर हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी बात की थी और उन्होंने ये बोला था कि वो लोग इस चीज को ध्यान पे रख के ही अब जो है फाइनल डेट्स रिलीज करेंगे। लेकिन जैसा कि आप लोग जान रहे हैं आज एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है, यानी कि वो लोग पोस्टपोन नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना जो है डेट पोस्टपोन हो जाए, और हम लोग की ये भी कोशिश होगी कि सारे जो जो यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो डेट्स है और उनके यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्जाम के साथ क्लैश कर रहा है तो उस चीज को हम लोग उनके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ ही जब हम लोगों ने डिस्कस किया था तो बहुत सारे लोगों को ट्रैवल का प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि अपने एग्जामिनेशन सेंटर और होम टाउन में उनका बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। प्लस आज बहुत सारे लोगों का जब कॉल आया तो उन्होंने ये भी बात बताई कि जब उन्होंने फॉर्म फिलअप किया था और फाइनली एडिटिंग की थी तो वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर और सब्जेक्ट उन्होंने कुछ और फिल किया था जो कि कन्फर्मेशन पेज में भी है, लेकिन फाइनल जब एडमिट कार्ड आ रहा है तो वहां पे जो है सब्जेक्ट्स और आपका एग्जामिनेशन सेंटर बिल्कुल चेंज हो गया है। तो ऐसे जितने आप लोग हैं जिनको इस टाइप की परेशानी हो रही है, आप लोग ऐसे जितने लोग हैं जो कि एग्जामिनेशन सेंटर को चेंज कराना चाहते हैं या फिर आप लोगों का जो जगह है वहां पे आपको पहुंचने में परेशानी होगी, तो आप लोग प्लीज एक काम कीजिएगा, इस कॉमेंट वीडियो के कॉमेंट में जाके आप कोशिश कीजिएगा कि सारे पॉइंट्स को हाईलाइट कर सके, सो देट कि हम सारे पॉइंट्स को कोलेट करके वाइस चांसलर को एक मेल कर सकें। और हम लोगों ने ये भी प्लान किया है कि जितने यूनिवर्सिटीज का हम लोगों के पास एडमिट कार्ड है तो उन सारे एडमिट कार्ड को भी हम लोग शेयर करेंगे। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने एडमिट कार्ड को, अगर आपका डेट क्लैश कर रहा है जेएनयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्लस सेमेस्टर एग्जामिनेशन का, तो दोनों एडमिट कार्ड को एक साथ आप लोग हम लोगों को व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। व्हाट्सएप और ईमेल जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहां पे जाके ईमेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए ये चेंज नहीं होता है, अगर चेंज नहीं होता है तो इस केस में उन सारे लोगों को परेशानी होगी जिनका यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर एग्जामिनेशन चल रहा है। और वो इसलिए क्योंकि अगर एक साइड आपका सेमेस्टर एग्जामिनेशन चल रहा है तो आप वो भी देना कंपलसरी है, क्योंकि वहां अगर बैक लग जाता है तो जेएनयू आपको एडमिशन नहीं देगा। तो ये कंपलसरी है कि आप वहां पे दीजिए और फिर आपका आप जेएनयू के एंट्रेंस एग्जाम में नहीं बैठ पाइएगा। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो चेंज हो, पोस्टपोन हो, इसलिए ऐसा नहीं है कि आप जो है जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम का होप ही छोड़ दीजिए। हो सकता है कि वो 10 दिन के लिए पोस्टपोन हो जाए या आफ्टर 15th या सेकेंड वीक के बाद ही आपका जो है जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट हो। तो इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि आपके पास जितना भी समय है आप अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। जितने लोगों ने स्टडी मटेरियल लिया है, फॉर एग्जांपल आईआर का, तो आप लोगों ने देखा ही होगा और बहुत सारे लोगों ने ये भी कमेंट किया था कि स्टडी मटेरियल एक ऐसा है जहाँ पे आप लास्ट मोमेंट में विद इन 4 to 5 days में आप सारा चीज अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। तो आप लोगों में से जितने लोग ने स्टडी मटेरियल लिया है आईआर का और पीआईएसएम का कंबाइंड स्टडी मटेरियल, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि उसको 2-3 दिन में पूरा आपका कवर करने का। और जिस तरीके से बुलेट पॉइंट दिया गया है तो कोशिश ये करनी है कि सारे बुलेट पॉइंट्स को मगअप नहीं करना है, लेकिन इस तरीके से आपको देखना है, दिन में 2-3 बार आप देख लीजिएगा एक एक टॉपिक को, सो देट कि आप जब एंट्रेंस एग्जाम के लिए बैठते हैं तो आप रिकॉल कर सकते हैं। याद नहीं करना है, रिकॉल करना है। दूसरा, जितने लोगों ने टेस्ट सीरीज ले लिया है तो आप लोग टेस्ट सीरीज को लगाते रहिए, उन सारे क्वेश्चंस को देखिए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग ने फाइनली सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी और बीए का भी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया है, और पॉलिटिकल साइंस का, और इसके साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशन और एमए पॉलिटिक्स पीआईएसएम का टेस्ट सीरीज हम लोग ने पहले ही रिलीज कर दिया था।
तो जितने लोगों ने सारे टेस्ट सीरीज को ले लिया है, आप लोग प्लीज कोशिश कीजिए कि उन सारे टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस को देखिए, क्योंकि क्वेश्चंस आपके फाइनल एंट्रेंस एग्जाम में उसी टॉपिक के आसपास ही आएंगे। तो जरूरी है कि उस टॉपिक से आसपास अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग उसको मिस नहीं कीजिए। और आपका भी एक ये भी एम होना चाहिए कि आप लोगों ने जितना पहले पढ़ाई कर ली है उतना ही पढ़ाई कीजिए, और नई चीजों को अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और उन्हीं सारी चीजों को आप लोग देखिए, बार बार देखिए, सो देट कि आप सारी चीजों को एक बार में एटलीस्ट रिवाइज कर सकें, जो पहले आपने पढ़ा है वो अच्छे से रिवाइज कर सकें। और जिन लोगों ने बीए का स्टडी मटेरियल लिया, ऑनलाइन क्लासेस ली है, तो आप लोग के पास सफिशियंट अभी 10 दिन का टाइम है, तो आप कोशिश कर सकते हैं कि सारे नोट्स को बार बार रिवाइज कर सकें। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आज या कल जो नोट्स लिए हैं, तो आप एक बार नोट्स देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आपके पास सफिशियंट 10 दिन का टाइम है, जहां पे आप सिर्फ नोट्स ही अगर देखते चले जाते हैं तो आप इसलिए रिकॉल कर सकते हैं। और जिस तरीके से हम लोग ने पूरा क्वेश्चन बैंक मॉक टेस्ट बीए के लिए बनाया है, तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके फाइनल एंट्रेंस एग्जाम में नियर टू आप ये बोल सकते हैं कि मैच कर सकता है या नियर अबाउट वो भी हो सकता है। तो आप लोग प्रिपरेशन नहीं छोड़िए और घबराने की बात नहीं है, हम लोग अपने एंड से कोशिश करेंगे जो भी होता है उन सारी चीजों को क्वेश्चंस को इश्यूज को एड्रेस करने का। आप लोग को ये करना है कि आपके तरफ से जो भी परेशानी हो रही है इस एग्जाम के ड्यूट को लेकर, तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो के कमेंट में लिखिए, सो दैट कि हम सारी चीजों को एक इन्फॉर्मेशन के रूप में कलेक्ट कर सके और उसके बेसिस पे एक रिप्रेजेंटेशन हो सके वाइस चांसलर को और एनटीए को भी। और इसके साथ साथ हम लोग ये भी कोशिश करेंगे कि एमएचआरडी को भी एक मेल जाए, क्योंकि एनटीए और जेएनयू दोनों अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, लेकिन दोनों इंस्टीट्यूशन एमएचआरडी के अंदर आता है। तो ये एमएचआरडी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो है स्टूडेंट को इस तरीके से इस पोजिशन पे नहीं डाल सकते हैं जहां पे उनको करियर में एक साइड एंट्रेंस एग्जाम को चूज करना पड़ रहा है और एक साइड उनके सेमेस्टर एग्जामिनेशन को चूज करना पड़ रहा है। और इसके अलावा मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप लोग को कोई भी अगर परेशानी हो रही है प्रिपरेशन में, तो आप लोग हम लोगों को कॉल कर सकते हैं, मोबाइल नंबर, कॉलिंग नंबर, व्हाट्सएप नंबर सब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आपको कोई भी परेशानी होती है तो प्लीज आप लोग हमें कॉल कीजिए, एंड ऑल द बेस्ट। और आप लोग प्रिपेयर करते रहिए और हम लोग आपको आगे भी अपडेट करते रहेंगे।